जी, ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था जब मैं बिलासपुर में डिस्ट्रिक्ट अटैचमेंट के रूप में अपनी ट्रेनिंग का हिस्सा थी, और तब मुझे लाडली फाउंडेशन ने अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया था फॉर द स्टेट ऑफ हिमाचल। और उस समय भी बेहद खुशी थी और आज भी बहुत खुशी है, बिकॉज तब से लेके आज तक बहुत सारी महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हैं, और सिर्फ लॉजिकल रूप में नहीं जुड़ी है कि कोई काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, पर इस रूप से जुड़ी है कि वो इमोशनली भी मुझसे कनेक्ट हुई हैं। अब देखिए, सती की प्रथा जो है वो इतनी ज्यादा पुरानी थी, हम भी उसको ट्रेस नहीं कर पाते। माना जाता है कि जो सती का इंस्क्रिप्शन सबसे पुराना मिला था वो गुप्ताओं के पीरियड में मिला था, जिसको कहा जाता है ईरान इंस्क्रिप्शन मध्य प्रदेश में। तो आप देख लीजिए सती प्रथा कितनी पुरानी थी। उस कुरुति को खत्म करते करते राजा राम मोहन राय ने अपनी पूरी जिंदगी जो है उसमें लगा दी, और 1829 में सती अबॉलिश हुई। तो जब एक ऐसी कुप्रथा को खत्म करते इतना समय लग गया, तो समाज में कोई भी चेंज लाने के लिए समय लगता है, लेकिन सबसे बढ़िया बात यह है कि आज लोग जागरूक हैं, और चेंज अगर वो लाना चाहते हैं, अगर वो चाहते हैं चेंज आए, तो वो थोड़ा जल्दी भी आ सकता है। आम लड़की ओशिन शर्मा को HS ऑफिसर द ओशिन शर्मा बनने में कितनी मेहनत लगती है, कितनी किस्मत लगती है, और कितना डेडिकेशन चाहिए होता है? देखिए, एक तो जो ये जो नाम है द ओशिन शर्मा, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आपने कहा कि शायद ग्रेटनेस होती है, पर मेरा पॉइंट इतना सा था क्योंकि जब आप कोई फेसबुक पेज बनाते हैं, इंस्टाग्राम पेज बनाते हैं, तो आपका नाम और आपका सरनेम जो है वो साथ साथ नहीं आ पाता। तो किसी ने मुझे सजेस्ट किया था कि आप द शब्द का प्रयोग करें, तो उसकी वजह से आपका नाम और सरनेम इकट्ठा आ जाएगा। लेकिन आप अगर उस चीज को ऐसे देखते हैं कि ये एक जिम्मेदारी का काम है, तो मुझे अब लगता है कि हाँ, एक जिम्मेदारी की पोजीशन है, क्योंकि अगर मुझे लोग अपना आइडल मानते हैं, आपने कहा यूथ आइकन मानते हैं, तो मुझे लग रहा है कि मुझे बहुत मेहनत करने की जरूरत है ताकि मैं इस जिम्मेदारी को अच्छे से निभा पाऊं। मेरे साथ जुड़ी हुई लड़कियां, मेरे साथ जुड़ी हुई महिलाएं जो मुझे रोज सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं, इनफैक्ट लोग पुरुष ऑल्सो, इतने सारे मेल हैं जो मुझे इतना सपोर्ट करते हैं इस चीज में, तो मुझे लगता है हम एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी की तरफ बढ़ रहे हैं, और इस जिम्मेदारी को मैं बखूबी निभाना चाहती हूँ। मैम, क्या आपने HS ऑफिसर बनने से पहले असफलता, फेलियर और बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट देखी है? जी, बिल्कुल देखी है। जब तक नौकरी नहीं लगते तब तक बेरोजगारी होते हैं, और मैंने भी असफलताएं बहुत सारी देखी है। मैंने क्लरिकल का एग्जाम भी दिया था, क्लरिकल के एग्जाम में मैं डॉक्यूमेंट स्टेज तक पहुंची हूँ, तो जब मेरा रिटर्न क्लियर हुआ था क्लरिकल का, तो आप सोच सकते हैं कि मैं कितनी ज्यादा खुश थी। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमारी छोटी नौकरी लगती है कि हमारी बड़ी नौकरी लगती है, क्योंकि नौकरी नौकरी होती है, और अगर अपने हाथ से कमाए गए पैसों की आप दो रोटी खा सकते हैं, तो मुझे लगता है कि आप में बहुत आत्मसम्मान है, और यही मेरी भी कहानी रही है। तो क्लरिकल के बाद मुझे अलाइड में भी मैंने एग्जाम दिए, मैं वहां पे भी असफल रही। मैंने सिविल सर्विसेज में दिए, तो मैंने मेंस लिखा है, मुझे वहां पे भी सफलता नहीं मिली, पर स्टेट सर्विसेज में मुझे सफलता मिली, और वो भी दो बार मिली है। तो पहले मैं एज BDO आई थी 19 में, उसके बाद 20 में मैं एज HAS सिलेक्ट हुई थी, तो उसी की ट्रेनिंग खत्म करिए, मेरा पहला प्रोबेशन पीरियड है, तो बिल्कुल मुझे असफलताएं मिली है। और जैसा कि आपने कहा कि बेरोजगारी बिल्कुल देखी है, लेकिन बेरोजगार आप कह सकते हैं कि जब मैं चंडीगढ़ में थी, तो मैं घर की सबसे बड़ी लड़की हूं, तो मैं नहीं चाहती थी कि माता पिता पे बड़ा ज्यादा बोझ पड़े, और मेरे आगे दो छोटे भाई बहन भी थे, तो मैं पढ़ाती थी, और चंडीगढ़ में पढ़ाती थी, 2 घंटे पढ़ाती थी, फिर लाइब्रेरी जाती थी, और फिर अपनी तैयारी करती थी। इससे क्या हुआ कि थोड़े पैसे भी आ गए, और आगे पढ़ाई करने की मेरे में हिम्मत भी जुट गई। तो ये चीज मैं आपके इससे माध्यम से बोलना चाहती हूँ कि जो बच्चे निराश हो रहे हैं, उनको लग रहा है कि तैयारी करे जा रहे हैं और सफलता हाथ नहीं लग रही, उनके लिए मेरा एज एन एल्डर सिस्टर ये आप लोगों के लिए सजेशन है कि आप लोग पढ़ाना शुरू करें, फिर देखें कि आपको एक नई ऊर्जा प्राप्त होगी और आप अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे। मैम, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैंने ग्रेजुएशन किया है BSc मेडिकल में, किसी कारणवश मैं उसको धर्मशाला कॉलेज से पूरा नहीं कर पाई, मुझे उसको RKMV शिमला से पूरा करना पड़ा,
और उसके बाद मैं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ गई और मास्टर्स किया है मैंने वहां से केमिस्ट्री ऑनर्स में। इससे पहले जब हमारा एंट्रेंस टेस्ट होता है तो उसमें भी मैं शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आप में डेडिकेशन हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मुझे नहीं पता था कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे चंडीगढ़ जाना है कि HPU जाना है, क्योंकि यूजुअली बच्चों के पास दो चॉइसेस रहती है कि हिमाचल में ही पढ़ना है कि बाहर पढ़ना है। तो मैंने एंट्रेंस दिया था और मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि HPU के एंट्रेंस में मैंने केमिस्ट्री और जूलॉजी दोनों में टॉप किया था और मैंने वो सीट्स छोड़ी क्योंकि मेरा PU में सिलेक्शन हो गया था। तो यही कहानी रही है। मैम, आपने ग्रेजुएशन किस साल की और किस कॉलेज की जी? और HS में आपका बाइंग और इस ग्रेजुएशन करने और HS ऑफिसर बनने के बीच में जो गैप रहा उसमें आपने क्या किया? जी देखिए, 2014 में मेरा ग्रेजुएशन जो है वो हुआ है, 16 में मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो खत्म हुआ और उसके बाद मैंने अपनी तैयारी शुरू करी थी 17 में प्रॉपरली, और 18 में मैंने HAS के एग्जाम देना भी शुरू किए, सिविल सर्विसेज के भी एग्जाम देना शुरू किए। 2019 में ऐसा समय लगा कि क्लरिकल से लेके अलाइड से लेके HAS से लेके और सिविल सर्विसेज, ये चार पेपर थे जिनके मैं पेपर दे रही थी, मेंस दे रही थी, और 2019 में ही मुझे सफलता मिल गई, BDO के रूप में मेरा सिलेक्शन हो गया था। मैम, राजनीति, खासकर कॉलेज राजनीति में आपका क्या रोल रहा? राजनीति को जैसे आप जानते हैं कि कॉलेजेस में वैसे बैन भी किया गया बाद में, क्योंकि वो थोड़ा सा उसमें माहौल खराब करने वाले एलिमेंट्स बहुत ज्यादा आ गए थे। अदरवाइज जो कॉलेज पॉलिटिक्स है, आई थिंक इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट पॉलिटिक्स, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो आज के भी नेता हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट में हैं, चाहे हमारे सीएम साहब अपने ही हमारे एग्जैक्टली हमारे सीएम साहब है, तो ये सभी वो लोग हैं जो कॉलेज राजनीति से ही निकले हैं। तो उस समय का माहौल कुछ अलग सा था, क्योंकि राजनीति का मतलब तब ये था कि आप अपने साथ के लोगों को एज अ लीडर आप लोग क्या दे सकते हैं, उनके मुद्दों को कैसे उठा सकते हैं, और ये सब उस समय करने को मिलता था। बट अब थोड़ा सिनारियो चेंज हुआ, मुझे भी ABVP की तरफ से उस समय वाइस प्रेसिडेंटशिप ऑफर हुई और मैंने भी सोचा कि मुझे भी इलेक्शन लड़ना चाहिए। और मैं आप लोगों को किस्सा शेयर करना चाहती हूँ कि जब हम कॉलेज में थे तो मैं स्टूडेंट थी जो शिमला से आई थी अपनी पढ़ाई कर, और क्योंकि पिताजी ने घर यहाँ कांगड़ा में बनाया हुआ था तो उस वजह से मुझे यहीं कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ा। तो जब ABVP के बच्चे मेरी क्लास में आए थे तो मैंने थोड़ा सा गुस्से में आके उनसे ये प्रश्न किया था, क्योंकि वो आए थे अपनी कैनवसिंग करने, तो प्रश्न मेरा यही था कि आप लोग 13 साल से यहाँ राज कर रहे हैं लेकिन टॉयलेट्स में कुंडी भी नहीं है, गर्ल्स टॉयलेट में। और आप मानेंगे नहीं, उनके मुंह इतने लाल हो गए थे क्योंकि वो बहुत एम्बेरस हो गए थे इस समय। मेरी हमेशा से एक चीज रही है कि मैं जो भी बोलती हूँ साफ बोल देती हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो उनको इतना गुस्सा आया। तो उसके बाद मे भी उनको पता नहीं क्या रियलाइज हुआ कि शायद मैं बोलती ठीक हूँ या मेरे में इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, उन्होंने मुझे वाइस प्रेसिडेंटशिप ऑफर की थी, और वो टाइम मुझे हमेशा याद रहेगा। कॉलेज में इलेक्शन हम लोगों ने मेहनत करी और फिर जीते भी, और तभी से मैं मानती हूँ कि उस एक्सपोजर ने मुझे कहीं ना कहीं मदद किया है कि मैं अपनी बात को लोगों के सामने रख सकूं। और बहुत सारी लड़कियां भी तब से हमारे साथ जुड़ी थी, तो उस समय ऐसा कुछ भी नहीं दिमाग में मेरे नहीं था कि ABVP है या NSUI है। आई जस्ट फेल्ट लाइक कि मैं कॉलेज रिप्रेजेंटेटिव हूँ और मुझे सभी के हक के लिए बात करनी है। मैम, आपकी कद काठी और आपके लुक्स बॉलीवुड हीरोइन जैसे लगते हैं, तो ऐसे में HAS ऑफिसर बनने के बजाय क्या बॉलीवुड हीरोइन बनने का ख्याल नहीं आया? आया, और मैं जब यूनिवर्सिटी में थी, पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो PU आपको एक ऐसा एक्सपोजर और ऐसा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करता है कि आप बहुत सारी चीजें वहां से कर सकते हैं। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स भी थे और जगह जगह पे ऑडिशंस भी हुआ करते थे, तो एक दिन मैं भी एक ऑडिशन में चली गई थी, एक मूवी थी, तो वहां जाके हम सिलेक्शन भी मुझे हो गया, मेरा वहां पे सिलेक्शन ऑडिशन वगैरह दिया। मैं मुझे याद है मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में थे तो वापस आके केमिस्ट्री कैंटीन में सभी को समोसे और चाय की पार्टी भी दे दी। उसके बाद घर फोन किया तो बताया तो मम्मी इतना गुस्सा हुई एंड उन्होंने कहा कि ये सब करने नहीं भेजा है, और मुझे भी रियलाइज हुआ तो मैंने उसी समय उन्हें फोन घुमा के मना कर दिया। तो जरूर सोचा है, क्योंकि उस समय दिमाग इतना नहीं होता है हम लोगों के पास भी, जब हम बच्चे थे तो हमें लगता है कि ये भी कर लो वो भी कर लो, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो रास्ता मैंने अपने लिए अब चुना है और मेरे माता पिता की वजह से भी मैं इस रास्ते पे बनी हुई हूँ,
मुझे इस रस्ते के चुनाव पे बड़ा गर्व है, क्योंकि इसमें शायद आप रियल लाइफ हीरोइन बन सकते हैं और रियल लाइफ हीरोइन भी। तो बहुत अच्छा है। जी अच्छा मैम, ब्यूरोक्रेट बनने के बाद अब आपके पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है और माँ भी है, और इसके अलावा और किस चीज की दरकार है? नहीं है, दरकार नहीं है, किसी चीज की दरकार नहीं है। मैं बहुत मानती हूँ, मैं जिंदगी में जितना भी मिला है और जो भी मिला है, चाहे वो अच्छा मिला है चाहे कुछ बुरे एक्सपीरियंस मिले हैं, मुझे लगता है इसी को जिंदगी कहते हैं। और इसी अच्छे और बुरे एक्सपीरियंसेस की पोटली बनाकर ही हमको लाइफ में आगे चलना है, क्योंकि देखिए जितनी बारिश जरूरी है उतनी ही आपकी सनशाइन भी जरूरी है, और सनशाइन और बारिश के कॉम्बिनेशन से ही किसी प्लांट की ग्रोथ होती है, किसी जंगल की ग्रोथ होती है, फॉरेस्ट की ग्रोथ होती है, यही लाइफ है। अच्छा मैम, सरकारी अधिकारियों को देखकर लोगों में डर की भावना जागती है, ये आम धारणा है, लेकिन आपको देखकर लोग आपसे डरते नहीं, आपके फैन हो जाते हैं, तो ये फियर फैक्टर से लेकर फैन फैक्टर के बीच के जो ये क्या रहस्य है? इस फियर फैक्टर की वजह से मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, एक मैक्स वेबर नाम के फिलोसोफर हुए हैं बहुत बड़े, और उन्होंने ये कहा था कि जो ब्यूरोक्रेसी है उसको बहुत ही आप कह सकते हैं एपथेटिक होना चाहिए। अपथेटिक मतलब कि बिल्कुल किसी चीज से आपको कोई इमोशन नहीं जोड़ने हैं, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, और आपको लोगों से भी नहीं मिलना चाहिए, थोड़े थोड़ी देर के लिए मिलना चाहिए, ज्यादा नहीं मिलना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि उसको जब हमारी ब्यूरोक्रेसी ने भी इम्प्लीमेंट किया, क्योंकि हमारा ब्यूरोक्रेसी का जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है वो हमको अंग्रेजों से मिला है, ये हमारी अपनी देन नहीं है, तो उस समय अंग्रेज जैसा हमसे व्यवहार करते थे वही हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स बाद में भी आए सिविल ऑफिसर्स, उन्होंने भी वैसा व्यवहार करना शुरू किया, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ये हुई कि लोगों में और उनके बीच में जो डिस्टेंस था, जो एक ट्रस्ट था, वो बहुत ज्यादा खराब हो गया, वो ट्रस्ट डेफिसिट हो गया, वो डिग्रेड हो गया। इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारे और इश्यूज आ जाते हैं, बट अब ब्यूरोक्रेसी में बहुत चेंज आ चुका है। अब ब्यूरोक्रेसी कुर्सी पे बैठने वाली ब्यूरोक्रेसी नहीं है, वो लोगों के बीच में जाने वाली ब्यूरोक्रेसी है, और वो उनका भाई बनकर, उनकी बहन बनकर, और कईयों के लिए उनकी माँ बनकर वो वैसा एक रोल मॉडल बनना चाहते हैं कि आप हमें अपनी प्रॉब्लम बताएं, हम सॉल्व करेंगे। तो सोल्यूशन सीकर जो है वो कहीं ना कहीं आज की ब्यूरोक्रेसी, जो प्रेजेंट ब्यूरोक्रेसी है, उसको मैं उसके रूप में देखती हूँ जो लोगों के साथ जुड़ी है, ना कि पर्दे के पीछे। मैं आपके इंस्टाग्राम में दी पोस्ट में जाकर जो आपके गानों की चॉइस है, आपके जो कलेक्शन है, उसको देखकर कोई डिप्रेशन वाला व्यक्ति भी अगर उनको सुने तो उसमें पॉजिटिव वाइब्स आने, पॉजिटिव थॉट्स आने लगते हैं, इसके पीछे कुछ के बारे में कुछ कहना चाहेंगी, ये कलेक्शन कहाँ से की, कैसे की? देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, एक चीज को हम लोग ज्यादा मायने नहीं रखते, उसको कहते हैं वाइब। वाइब हम बोलते किसी से पॉजिटिव वाइब्स आती है, हम कहते किसी से नेगेटिव वाइब्स आती है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। व्यक्ति जैसा सोचता है, जैसा महसूस करता है, वो अपने आसपास वैसी ऊर्जा बनाता है, और आप ये मानेंगे या नहीं मानेंगे, आपको सोशल मीडिया के माध्यम से भी वो ऊर्जा जो है वो महसूस होती है, होती है। और यही चीज मैं भी अपने अंदर करती हूँ कि जितनी पॉजिटिव मैं रहती हूँ तो उतना ही पॉजिटिव जो है वो जितने लोग मेरे से जुड़े हैं, जो मुझे देख रहे हैं, मेरी लाइन्स को पढ़ रहे हैं, उनको शेयर कर रहे हैं, वो भी उस पॉजिटिव वाइब को फील करें। तो यही मेरा बेसिकली पॉइंट है कि, और जो आपने गाने की बात कही कि गाने हैं, तो मैंने परसों भी एक पोस्ट डाली थी कि 90s में मैं पैदा हुई हूँ, 1992 में, तो माँ जब सुबह हम लोग रेडी होते थे तो माँ खाना बनाती थी तो रेडियो चला देती थी, तो 90s के गाने तब भी याद थे और आज भी याद है और हमेशा याद रहेंगे। अच्छा मैम, एक जो हटके आप बहुत जो यूनिक काम कर रही हैं समाज सेवा के दायरे में, खासकर जो सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स हैं उसको लेकर आप काफी एक्टिव हैं, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगी? बिल्कुल बताना चाहूंगी। एक वक्त था जब ये 2021 में मैंने शुरू किया था अपना यूट्यूब चैनल, और किसी ने बस मुझे कहा था कि इसको आप शुरू कर दीजिए, तो मैंने शुरू कर दिया था। तो आज इसमें देखिए 21 जून को था, तो आज जुड़ते जुड़ते इसमें 35,000 से 37,000 लोग जो हैं इसमें जुड़ चुके हैं हिमाचल के। तो हिमाचल के बच्चों के लिए है मोस्टली ये, क्योंकि मैं उसमें चाहे अलाइड सर्विसेज है, चाहे HS है, चाहे सब इंस्पेक्टर है, चाहे क्लरिकल है, चाहे हाईकोर्ट है, इन सबसे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है या डेटा है या जो मेरे पास है वो मैं शेयर करने की कोशिश करती हूँ। करंट अफेयर की सीरीज मैंने चलाई थी, अभी थोड़ा वो इलेक्शंस करके वो थोड़ा अभी रुक गया था काम,
पर करंट अफेयर्स का मैं उसमें मंथली बच्चों को पढ़ा रही थी, क्योंकि बच्चों को पता नहीं चलता करंट अफेयर्स पढ़ने कहाँ से है, तो ये है। साथ ही मैं कुछ टॉपिक अगर ऐसा न्यूज में रहा हो तो वो भी मैं लेकर आती हूँ। पॉइंट मेरा इतना सा है क्योंकि जब हमने तैयारी करी थी तो हमारे पास इतनी ज्यादा गाइडेंस नहीं थी, इतनी ज्यादा डायरेक्शन नहीं थी, और जो हमसे भी पहले ऑफिसर्स आए उनके पास तो बिल्कुल भी नहीं थी। तो जैसे जैसे टाइम अब चेंज हो रहा है, तो सोशल मीडिया है, इसको एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, इसको आप कैसे यूज करते हैं इस पर डिपेंड करेगा कि इससे कुछ आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। क्योंकि अगर सोशल मीडिया को ढंग से यूज किया जाए तो गूगल और यूट्यूब पे ऐसा कुछ नहीं है जो अवेलेबल नहीं है। जो बच्चा हमारा किन्नौर में है, पांगी में है, लाहौल स्पीति में है, जिनके पास शायद किताबें भी नहीं है, सोर्सेज भी नहीं है, कोचिंग सेंटर्स भी नहीं है, वो बच्चा क्या करेगा? वो बच्चा सोशल मीडिया की कनेक्टिविटी के थ्रू जो है वो आज की डेट में पढ़ सकता है और अपना भविष्य बना सकता है। मैं जीवन में या साहित्य में 7 रस हैं, श्रृंगार रस, हास्य रस, रौद्र, करुण, विभत्स, भयानक, वीर, अद्भुत और लास्ट में शांत। तो आप किस रस से ज्यादा प्रभावित हैं और किस रस की इंसान को ज्यादा जरूरत होती है? आपका प्रश्न भी बहुत अच्छा है। पहले तो मेरा यहाँ पे जो जवाब यही रहेगा कि हर एक रस जो है वो इम्पोर्टेंट है। देखिए, हास्य रस ही हुआ तो आप बाकी इमोशन से बेसिकली विरक्त रह जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। हर एक इमोशन इम्पोर्टेंट है, चाहे वो आपका हंसने का है, चाहे आपके रोने का है, चाहे आपके महसूस करने का है, चाहे सौंदर्य है, सब कुछ जरूरी है। इन्हीं 7 रंगों से जो है वो लाइफ जो है वो खूबसूरत बनती है। तो मुझे लगता है कि कोई एक पर्टिकुलर रंग नहीं है, सभी रंग इम्पोर्टेंट है। अच्छा, मैं गीता में लिखा कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारता अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनाम सृजाम्यहम् प्रेरणाय साधूनां विनाशाचरकर्ताम् परित्राणे साधुना विनाशेष कृताम धर्म संस्थापना संभवामी युगे युगे। जब जब धर्म, धर्म मतलब राइटियसनेस की जब जब हानि होती है तो सब पुष्टि करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा इस दुनिया में आजकल हो रहा है? दुनिया में जो डिस्टर्बेंसीज है उसको ठीक करने के लिए कुछ आ रहा है, कुछ है, कोई आ चुका है? आपने एक भजन जरूर सुना होगा कि पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। यानी मैं इस बात को महसूस करती हूँ कि जब जब कुछ बहुत गलत हो जाता है तो भगवान हमारे अंदर ही आके उस चीज को ठीक करवाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो बुराई के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करते हैं, और मैं आपको बताना चाहती हूँ, किसी के अगेंस्ट खड़ना, किसी चीज के अगेंस्ट बोलना, किसी व्यवस्था के अगेंस्ट बोलने के लिए पहले आपको अपनी आहुति देनी पड़ती है। तो अगर आप उस आहुति देने के लिए, स्वयं आहुति देने के लिए तैयार हैं, तो जरूर मैं आपको बात लिखित रूप में बोल सकती हूँ कि बदलाव आएगा। तो हमें कहीं ना कहीं पहले खुद सैक्रिफाइस करना होगा उस चीज के अगेंस्ट, अपनी वैल्यूज के साथ हमको खड़ना होगा, और चेंज जरूर आता है।